राज्यात कोरोना विषाणूने थैमान घातला असून अनेक रुग्णांना रुग्णालयात व्हेंटिलेटर स्पोर्ट किंवा बेड मिळत नसल्याने रुग्णांना जीव गमवावा लागत असल्याचे आपण पाहत आहोत. मात्र गोंदिया जिल्ह्याच्या तिरोडा उपजिल्हा रुग्णालयात मागील अनेक महिन्यात 5 व्हेंटिलेटर बेड धूळ खात पडून आहेत. हे बेड शिवसेनेचे समन्वयक पंकज जाधव यांनी शोधून काढत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे व्हेंटिलेटर मशीन सुरू करण्याचे आदेश दिले. मात्र आज 15 दिवस उलटूनही हे व्हेंटिलेटर कोरोना कक्षात फक्त शोभेची वस्तू झाला नसल्याचे स्वतः येथील डॉक्टर सांगत आहे. तर आज शिवसेनेचे जिल्हा समन्वयक पंकज जाधव यांनी रुग्णालयात जाऊन पाहणी केली असता व्हेंटिलेटर बंद असल्याचे निदर्शनास आले असून जाधव यांनी पुन्हा आरोग्य मंत्र्यांकडे या संदर्भात तक्रार केली आहे. आम्ही यहां पे इसलिए आए थे कि कुछ दिनों पहले हमारी टीम ने यहां पे आगे बताया देखा था कि यहां के 5 व्हेंटिलेटर बंद पड़े हुए हैं. उसकी हमने जानकारी गोंदिया डीन त्रिपुड़े साहब को दिया था तो वो देखने आए थे कि डीन साहब ने बताया था कि वेंटिलेटर हमने चालू कर दिया है. मगर यहाँ पे आके हमने देखा कि वो वेंटिलेटर यहाँ पे खोल के रखे है मगर वो वेंटिलेटर चालू नहीं हुए. जब यहाँ पे आपके देखा कि वेंटिलेटर मात्र खोल कर रखा गया है और वेंटिलेटर में अभी तक के कोई वेंटिलेटर में कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं गया, सिर्फ देखने के लिए वेंटिलेटर खोल के रखा गया है. एक डॉक्टर है, उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे एक महीने से ड्यूटी कर रही हूँ मगर अभी तक के इस वेंटिलेटर पे कोई पेशेंट नहीं रखा, ट्रीटमेंट नहीं किया गया है. तो आप बता सकते हैं कि वो डॉक्टर एक महीने से ड्यूटी कर रही है तो उसमें एक भी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया गया है तो क्या इस उप जिला रुग्णालय में एक भी पेशेंट वेंटिलेटर लगकर नहीं आया होगा? जबकि यहाँ के तिरोड़ा के कई पेशेंट गोंदिया के मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट हॉस्पिटल में आ रहे हैं जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है. तो क्या और यहीं के पे कई पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है और यहाँ के जो MS डॉक्टर हिम्मत मिश्रा है यहाँ खुद उपस्थित नहीं है जबकि यहाँ पे एक कोई मेडिसिन डॉक्टर उपस्थित नहीं है. तो गोंदिया का उप जिला हॉस्पिटल है जो यहाँ पे एक MS मेडिकल डॉक्टर उपस्थित रहना चाहिए. बड़ी दुर्भाग्य की बात है. मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करूंगा और आरोग्य मंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि इस ओर जरूर ध्यान दें क्योंकि ऐसे 5 चमत्कार महाराष्ट्र के महाविकास आघाड़ी के आप लोग जनता की ओर ध्यान दे रहे हैं और ऐसे अधिकारी जनता के साथ उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. आप इसके अधिकारी ऊपर कार्रवाई करेंगे. आवाज टीवी न्यूज साठी राजेश कुमार तायवाड़े गोंदिया.